ये Realme के T300 Buds है, जिसको Amazon पे लोगों ने 4.0 की रेटिंग दी है। तो चलो इसका रिव्यू करते हैं। इसका बॉक्स कुछ इस तरह का आता है। इसके बॉक्स में आपको बर्ड्स, यूजर मेन्यू, इसका चार्जर और ईयर टिप्स देखने को मिलते हैं। बात करें बर्ड्स की तो इसका लुक अच्छा है, केस मैट फिनिश में दे रखा है, प्लस इसमें आगे Realme की ब्रांडिंग दे रखी है, ये चार्जिंग इंडिकेटर लाइट दे रखी है और नीचे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलता है। प्लस इसकी बिल्ड इन क्वालिटी भी अच्छी है और इसका साइज भी छोटा है, तो कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। केस को ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। बात करें बर्ड्स की तो ये इन ईयर टाइप में आते हैं। इस बर्ड्स में कोई भी ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलती है। इस बर्ड्स में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दे रखा है। प्लस जैसे ही आप केस को ओपन करेंगे तो ये लास्ट कनेक्ट डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और केस ऑफ करते ही डिसकनेक्ट हो जाएंगे। इस बर्ड्स के लिए Realme लिंक ऐप दे रखा है, जिसमें आप बर्ड्स की बैटरी चेक कर सकते हो। प्लस इसमें डिफरेंट मोड भी मिल जाते हैं, साउंड इक्वलाइज कर सकते हो, साथ में 360 ऑडियो का सपोर्ट भी मिलता है। प्लस इसके ऐप में आप टच कंट्रोल को कस्टमाइज भी कर सकते हो। इस बर्ड्स में IP55 की वाटर रेटिंग मिलती है, प्लस गेमिंग के लिए 50 ms की लो लेटेंसी दे रखी है। इस बर्ड्स में 12 mm के डायनेमिक बेस ड्राइवर्स दे रखे हैं, साथ में SBC और ACC कोडेक का सपोर्ट भी मिलता है, तो इसकी ऑडियो की क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है। प्लस 30 dB का ANC मिलता है, जो बैकग्राउंड नॉइज को कैंसिल कर देता है। इस बर्ड्स में क्वाड माइक दे रखे हैं विद ENX टेक्नोलॉजी, तो इसकी कॉलिंग की क्वालिटी भी अच्छी है। बात करें बैटरी के तो 40 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है विद केस, और विदाउट केस 7 से 8 घंटे का प्ले टाइम मिलता है। प्लस फास्ट चार्जिंग भी मिलता है, 10 मिनट चार्ज करने पर 7 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है। तो इस बर्ड्स में बहुत ही प्रीमियम फीचर मिलते हैं और वो भी बजट प्राइस में, तो इसको बाय करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।